आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11 से है, और क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 3.5 से। कहाँ से? एक्सरसाइज 3.5 है और 11 क्वेश्चन है। 18 इज द डिविजल बाय 2 एंड 3। इट इज ऑल्सो डिविजल बाय 2 इंटू 3 6 से। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजल बाय बोथ 4 एंड 6। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजल बाय 4 इंटू 6 24। इफ नॉट तो गिव एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर। पहले पार्ट पे लो 18, देखो हमें 18 बोला, 18 किससे? इफ डिविजल बाय 2 एंड 3। भाई डिवाइड करोगे अगर 2 से तो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है 9 से। 18 अगर आप डिवाइड करोगे किससे? 3 से, तो डिवाइड होगा 6 से। यस, इट मीन्स 18 किससे? 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड होता है। क्या ले डिविजल बाय 6, तो अगर मैं 18 का इनका मल्टीप्लाई कितना होता? 6 होता। क्या ये 6 से भी डिविजल होगा? 6 3 जा 18, यस होगा। ठीक है, अब यार सिमिलर ये नंबर इज डिविजल बाय बोथ 4 एंड 6। वी कैन से दैट द नंबर इज ऑल्सो डिविजल बाय 24। अगर कोई नंबर हमारे पास है जो 4 एंड 6 से डिविजल है, क्या वो 24 से भी डिविजल होगा? इफ नॉट तो गिव एन एग्जाम्पल। अगर नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल। अब मुझे देखना कोई एक नंबर, जैसे हम 12 लेते, 12 इज डिवाइडेड बाई 4। 12 फोर जै ओह 4 3 जै 12, 3 टाइम जा रहा। अब मैं अगर इसको डिविजल करूँ किससे? 6 से, तो इससे भी डिविजल हो रहा 2। लेकिन अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ किससे? 24 का, तो भाई नहीं हो रहा। 12 होता है लेकिन 24 12 से नहीं होता, तो नॉट डिविजल। तो क्या होगा? नॉट डिवी डिवी विजल बाई 24। तो हमें क्या होता अगर ये, अब आप देखो 4 4 के अगर फैक्टर करोगे क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 4 है, यही फैक्टर आएगा। या आप 4 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 या 1। ठीक है, 6 का करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ 1 भी आएगा। तो देखो 1 तो है लेकिन होल नंबर है, उसमें क्या है डिविजन। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर थे, को प्राइम नंबर होते जिसका क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता ओनली, तो ये डिविजन होता 24 से भी। लेकिन ये आपस में को प्राइम फैक्टर नहीं, क्योंकि इसमें 2 भी 2 से भी हो रहा, 6 भी 2 से हो रहा, यहाँ 2 से हो रहा, यहाँ 3 से हो रहा। सो 24 12 इज नॉट डिविजल बाय 24, तो ये जरूरी नहीं है। ओके okay?